हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महाराज वाड़े। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है, किन किन स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आज बहुत चीज़ें आप लोगों से शेयर करना है मुझे, ओके। कुछ ग्लोबल सीनेरियो क्या बन रहा है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। FIIs का एक्टिविटी क्या हो रहा है, ये भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, नो डाउट ये वीडियो बड़ा बनने वाला है। फिर अंत में हम लोग प्राइस वाइज कल के लिए लेवल फाइंड आउट करेंगे, इंडेक्स में किस तरीके से प्राइस दिख रहा है, ओके। तो चलिए मैं आपको अभी चार्ट में कुछ पॉइंट शेयर करूं, इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्टली FIIs का एक्टिविटी में। ये वीडियो अलग अलग बनना था, लेकिन पूजा की वजह से, ठीक है, मैं वीडियो नहीं बना पाया, टाइम नहीं दे पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा। एक ही वीडियो में सब कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, इसलिए वीडियो बड़ा बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग FIIs की एक्टिविटी में, ठीक है। पहले चलते हैं मंथली चार्ट। अगर आप मंथली चार्ट देखें दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम ऐसा रहा है, कितने दिनों के बाद, ये आप लोगों को पता होगा और इसका वीडियो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा ही होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट सितंबर 2021 के बाद फर्स्ट टाइम 22,000 करोड़ रुपए का इनका बाइंग आया है, राइट। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मंथ है जो अगस्त में 22,000 करोड़ रुपए का इनका बाइंग देखने को मिला। और DIIs फर्स्ट टाइम इन्होंने शॉर्ट किया है, कब से DIIs कब से शॉर्ट किया है, अगर आप देखें इसे तो अप्रैल, माफ कीजिएगा, मार्च 2021 के बाद इन लोगों ने फर्स्ट टाइम 7,000 रुपये का सेल किए हैं, राइट। और अगर आप इसे देखें तो लगभग लगभग अप्रैल से ही इन लोग शॉर्ट कर रहे थे, बड़े क्वांटिटी में शॉर्ट कर रहे थे। ये तो एक सिंबॉलिक है जहां पर बाइंग आया था, ओके। हो सकता है किसी एक स्टॉक में या किसी एक दो स्टॉक में लोग पोजीशन बनाए होंगे, इसके वजह से यहाँ पर बाइंग दिख रहा है, तो इसे बहुत ही माइनर कर सकते हैं। तो एक्चुअली में अप्रैल 2021 के बाद लगातार सेलिंग के बाद FIIs हमारे इंडियन मार्केट में एंट्री किए हैं, राइट। तो अभी इनका ओवरऑल जो बाइंग रहा है लास्ट मंथ, ये 22,000 करोड़ का रहा है। जिस समय इन लोग शॉर्ट कर रहे थे, आप देख सकते हैं हम लोग, मतलब DIIs किस तरीके से बाइंग करते थे, ऑलमोस्ट बाइंग कर रहे थे। इस बार DIIs तो सेल कर रहे हैं, लेकिन ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि 22,000 के सामने 7,000 करोड़ का बहुत कम सेलिंग आप कर सकते हैं। लेकिन जब इन लोग 58,000 करोड़ का सेल कर रहे थे, इधर 46,000 करोड़ का जैसे बाइंग आ रहा था, इन लोग 54,000 सेल कर रहे थे, 54,000 करोड़ का इनका 50,000 करोड़ में बाइंग आ रहा था। तो DIIs इसने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किए हैं मार्केट में, और इसलिए मार्केट हमारा हायर हाई के आसपास है, राइट। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो FIIs का सेलिंग रुक गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अभी जो 2-4 दिन हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इनका एक अगर आप देखें दोस्तों, तो 30 अगस्त तक लगातार इनका लगभग बाइंग रहा है, राइट। और ये बाइंग, ये जो वैल्यू है, हाईएस्ट बाइंग था कब, 30 अगस्त को, राइट। 4,000 करोड़ का हाईएस्ट इसका इनका बाइंग था। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ सेल हुआ है, फिर ये थोड़ा सा सेल हुआ है, ओके। तो मार्केट थोड़ा टॉप में हो सकता है, आप कह सकते हैं कि FIIs ने यहाँ पर मतलब प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट आ गया था गैप डाउन के बाद, आप लोगों को पता होगा, राइट। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स लोगों को लॉस हुआ होगा, क्योंकि मार्केट 700-800 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर उसी कंडीशन में मार्केट वापस रिकवर कर गया, ये सारी चीजें हुआ है, ओके। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से, ये जो फिगर है ना, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, राइट। और इसका एक लॉजिक अभी आपको बताऊंगा। 4,189 करोड़ का सेलिंग फ्यूचर में, राइट, 4,189 करोड़ का सेल फ्यूचर में, और इसके बाद कल भी इन्होंने सेल करके गए हैं, मतलब लास्ट फ्राइडे के दिन भी इन लोगों का पोजीशन शॉर्ट है, ओके। तो पहली बार ये जो डेटा है ना, 4,000 करोड़, इससे पहले जो मेरे पास चार्ट अवेलेबल है, इतना बड़ा क्वांटिटी शॉर्ट नहीं है फ्यूचर में, इसलिए ट्रेडिंग पर्पस में मार्केट थोड़ा शॉर्ट दिखता है, राइट। एक बात और ध्यान देखिए, जिन लोग नए हो उन लोगों के लिए बता दूं कि जो एफ एंड ओ में ट्रेड होता है ना, ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम FIIs इंस्टीट्यूशनल का होता है, राइट। DIIs एफ एंड ओ में बहुत कम ट्रेड करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। टोटल वॉल्यूम का 10% ही आसपास DIIs का रहता है, ठीक है, कभी कभार इससे ज्यादा हो सकता है, अदरवाइज एफ एंड ओ में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इनका रहता है, FIIs इंस्टीट्यूशनल का, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मेरे पास ये डेटा जो मेरे पास अवेलेबल है, इसे मैं आपको शो करना चाहूं, तो मैं आपको दिखा सकता हूं फ्रेंड्स कि 4,000 करोड़ का इससे पहले कभी सेल हुआ नहीं है मार्केट में, राइट। आप देखिए यहाँ पर 2,000 मैक्सिमम था, ठीक है, यहाँ पर 2,700 करोड़ का मैक्सिमम था, ओके, यहाँ पर 2,800 करोड़ का मैक्सिमम था, कब, जुलाई 2020 में, आप इधर देखते जाइए 2,400 करोड़ का। लेकिन 4,000 करोड़ का एक फिगर जो था ना, वो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ये बिलीव नहीं हो रहा था, यहाँ पर 3,200 करोड़ का कब, मई 2022 में, राइट।
आप इधर देखिए, जितना मेरे पास डेटा अवेलेबल है यहाँ तक तो यही है, ठीक है। तो 4,000 करोड़ का सेलिंग फ्यूचर में ये थोड़ा सा हजम नहीं होता है, लेकिन इसके पीछे का एक लॉजिक आपको मैं अभी शेयर करूंगा वीडियो के अंत में, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, ओके। चलिए, तो आपने FIIs का एक्टिविटी समझ लिए होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो वर्ल्ड मार्केट है वो वर्ल्ड मार्केट क्या हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले वर्ल्ड मार्केट का इंडाइसेस दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है डाउ, राइट। डाउ लगातार गिरा, ओके, कंटिन्यू अभी ये नीचे ही जा रहा है, जबकि हमारा मार्केट जिस दिन डाउ बड़ा गिरावट आई इसके बाद मार्केट हमारा रिकवर कर दिया, ठीक है। तो डाउ अभी लगातार गिर रहा है, इसके वजह से हमारे मार्केट में भी थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो दिखा, मतलब थोड़ा गैप अप गैप डाउन जैसा सिनेरियो दिखा। यहाँ पर एक अच्छा कैंडल बन रहा था, ओके, मतलब मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखा सकता था, लेकिन नेक्स्ट डे अगेन मतलब फ्राइडे के दिन फिर से शॉर्ट हो गया, तो डाउ थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, राइट। इसी के साथ अगर आप देखें तो नेस्डेक भी नेगेटिव दिख रहा है, हालांकि यहाँ पर एक सपोर्ट का है रेंज, अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो वापस रिकवरी का बहुत अच्छा चांस बनेगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा SGX निफ्टी। अब आप डाउ को देखिए और हमारा SGX निफ्टी को देखिए, राइट। SGX निफ्टी मतलब हमारे निफ्टी को आप समझ सकते हैं, ओके। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसे आप समझिए, ये है क्रूड। मैं लगातार इसके ऊपर आप लोगों को वीडियो में डिस्कशन करता हूँ कि ये जो क्रूड है ना, ये देखिए क्रूड का, इसे आप देखिए ब्रेंट क्रूड, इसका चार्ट को देखिए, ठीक है। ये $93 में है अभी, $100 के बिलो मार्केट बहुत अच्छा समझेगा, अगर मार्केट $100 के बिलो क्रूड है तो, राइट। और अभी ये नीचे की तरफ ही प्राइस दिख रहा है, ऐसा लग रहा है क्रूड नीचे की तरफ और जाने वाला है, $80 $70 की तरफ मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आना चाहिए। तो अगर क्रूड नीचे जाता है तो हमारे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा सिनेरियो बनेगा, इसका मतलब कि जो मंदी का सिनेरियो दिखता है वो थोड़ा हमारे यहाँ कम होते हुए नजर आएगा, राइट। थोड़ा महंगाई का जो गवर्नमेंट जिस तरीके से रेट हाइक कर रहे हैं, RBI जिस तरीके से रेट हाइक कर रहे हैं, ओके, उसमें थोड़ा सा लगाम लग सकता है, लेकिन अभी तो वर्ल्ड मार्केट को फॉलो किया जाएगा, राइट। तो आप क्रूड को जरूर ध्यान रखते रहिए, अगर ये $100 के ऊपर टिका रहता है या फिर इधर जाके नया हाई बनाने लगता है, 110 के ऊपर जाने लगता है, तो हमारे मार्केट के लिए थोड़ा इकोनॉमी के लिए नेगेटिव साइन हो सकता है। $100 के बिलो है, $90 के बिलो है, मार्केट को नीचे जाने का कोई और कारण बनता नहीं है, ये पॉइंट आप समझ लीजिए, इसे ध्यान रखिए जरूर। यहाँ पर क्रूड का देखिए, जिन लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं क्रूड में, इसके नीचे जाने वाला है तो एक बड़ा गिरावट इसमें फिर से आने वाला है, अगर आप प्राइस एक्शन यहाँ पर समझे फ्रेंड्स, ठीक है। तो कंटिन्यू में यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश किया था, तो कंटिन्यू में फिर से लोअर लो की तरफ जाने वाला है, तो मतलब आने वाले दिनों में मैं इधर देख रहा हूँ इसे, मतलब $64 के आसपास मैं इसे देख रहा हूँ, मार्केट नीचे आना चाहिए क्रूड, राइट। अगर आप इसी तरीके से देखें गोल्ड को, हालांकि हम लोग इसके ऊपर कम बात करते हैं, गोल्ड और सिल्वर, मैं थोड़ा सिल्वर का बड़ा चार्ट आपको दिखाता हूँ, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ओके, आप इसे अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ये जो ब्रेकआउट आया था ना सिल्वर, यहाँ पर 2020 में जो ब्रेकआउट आया था, फिर 7800 चला गया था, अब इसी भाव के आस फर्स्ट टाइम आया है आसपास, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद इसे एक बार बाउंस आना चाहिए, ओके। तो जितने लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, ध्यान रखिए आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट का जगह नहीं है, आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढिए, राइट। मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिकवरी देना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप गोल्ड को देखें दोस्तों, तो गोल्ड भी यहाँ से एक अच्छा मुझे लगता है बाउंस मिलना चाहिए, हालांकि मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन कर सॉरी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, हो सकता है ब्रेकडाउन कर दे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये भी अगर नीचे आता तो हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन जिन लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, गोल्ड क्रूड और सिल्वर में ट्रेड करते हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छा सीनेरियो इधर बन रहा है, मुझे लगता है मार्केट एक बार फिर से ऊपर की तरफ गोल्ड में अपसाइड आते हुए नजर आ सकता है। तो बहुत सारे सीनेरियो है जो हमें आने वाले दिनों के लिए मार्केट का एक व्यू बनाने में काम आ सकता है, आप देख सकते हैं। तो इस लेवल से जिन लोगों गोल्ड में ट्रेड करना है, अगर गोल्ड आपको यहाँ से बाइंग करना है, तो मुझे लगता है कि 49,000 के आसपास कैसे डाल के यहाँ से ट्रेड बनाया जा सकता है, ओके। थोड़ा यहाँ बाइंग कर लीजिए, मतलब थोड़ा इस भाव के आसपास बाइंग कर लीजिए, या थोड़ा यहाँ बाइंग कर लीजिएगा, और इस लेवल का ऐसे इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ट्रेड क्लोज। तो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा अपने ट्रेडिंग हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्रूड देख लिए, हमने यहाँ पर डॉलर, अच्छा एक पॉइंट और छूट गया, डॉलर इंडेक्स, अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो डॉलर इंडेक्स हो रहा है, ओके। रुपया हमारा लगातार कमजोर हो रहा है, अच्छा ये है कि क्रूड गिर रहा है, अगर क्रूड भी बढ़ता तो हमारे लिए बहुत, जो हमारा इम्पोर्ट है कॉस्ट, इम्पोर्ट कॉस्ट बहुत बढ़ता, बहुत हाई होता, तो हो सकता है कि मंदी का या महंगाई का आतंक और आने वाले दिनों में बढ़ता। तो अभी थोड़ा एक ही नेगेटिव दिखता है, वो है डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स को जरूर ध्यान रखिए, ओके। मुझे लग रहा है अगर ये ऊपर जाएगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 110 के आसपास ये रेजिस्टेंस बना रहा है,
110 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा मार्केट में दबाव देखने को मिलेगा। अगर ये नीचे आता है राइट, जैसे स्विंग लो बन रहा है 108 के बिलो आ जाता है डॉलर इंडेक्स, तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, हमारा रुपया थोड़ा मजबूत हो जाएगा, इसके वजह से हमारा रुपया थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पेक्ट है। पूरा ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो क्रूड हमारे फेवर पे है राइट, और वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है हमारे लिए, ठीक है, बजाय कि डॉलर इंडेक्स और ऊपर चल जाए। अगर क्रूड नीचे जाता है और डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर भी चले जाता है तो मुझे लगता है मैनेज हो जाएगा राइट, ऐसा चीज़ें हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर। तो एक मोटा मोटा व्यू मुझे आप लोगों को शेयर करना था, सो मैंने यहाँ पर किया। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ कल के चार्ट पे राइट। जो मैं भी आप लोगों को बता रहा था कि ये जो 4,000 करोड़ और 2,000 करोड़ का लास्ट डे सेल हुआ है FIIs का राइट, इसका एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट क्या रहा है पता है आप? ये है निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 17,562, ठीक है, जबकि स्पॉट क्या है 17,539 राइट। तो आप यहां से देखें तो लगभग लगभग 20-22 पॉइंट का आसपास का प्रीमियम किसमें दिख रहा है? फ्यूचर में दिख रहा है राइट। अब इसी तरीके से आप देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के इंडेक्स में क्या है, 39,421 स्पॉट है राइट, और 39,542 राइट, लगभग लगभग 120-123 पॉइंट आसपास का ये मतलब प्रीमियम है किसमें? बैंक निफ्टी के फ्यूचर में। लेकिन जब ये मंथ स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों ने कितना ध्यान दिया था पता नहीं, लेकिन मैंने इसे देखा था और बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे कि निफ्टी में प्रीमियम जो था वो 90 पॉइंट प्लस था, मतलब स्पॉट से फ्यूचर का प्रीमियम 90 पॉइंट प्लस था ये वाली राइट, ये 90 पॉइंट प्लस था, और बैंक निफ्टी में तो हद हो गया था, 260 पॉइंट प्लस था राइट। तो ये भी एक बड़ा इम्पेक्ट है जिसके वजह से शॉर्ट हुआ है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मे भी मैं गलत हो जाऊं और गलत होने की राइट मेरे पास सुरक्षित है, ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है कि इन लोगों का फ्यूचर में पोजीशन शॉर्ट ही बना होगा, ठीक, हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में गिरे, लेकिन इसका ये भी बहुत बड़ा कारण है, बहुत ही रेयर इस तरीके से देखने को मिलता है कि इतना ज्यादा हाई प्रीमियम हो स्पॉट से प्रीमियम में राइट, मतलब फ्यूचर में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस वजह से भी इन लोग आर्बिट्रेज जैसा ट्रेड बनाए होंगे, मतलब इस प्रीमियम को शॉर्ट किए होंगे, अगले प्रीमियम को बाई किए होंगे, या फिर निफ्टी 20 बाइंग किए होंगे, या बैंक निफ्टी 20 बाइंग किए होंगे और सामने में फ्यूचर शॉर्ट कर दिए होंगे, तो इस तरीके का पोजीशन बना है, क्योंकि फोकट फंड का यहाँ पर लगभग लगभग 5,000 आसपास प्रॉफिट आ रहा था राइट, 5,000 यहाँ पे लगभग लगभग 4,500 के आसपास प्रॉफिट लोगों को मिल रहा है राइट, अगर आर्बिट्रेज बना दिए होंगे तब। ओके, तो इस तरीके के कई सारे सिनेरियो अभी मार्केट में देखने को मिल रहा है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अब चलिए चलते हैं एक्चुअल चार्ट में, हम लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे राइट। चलिए, वीडियो बड़ा बन गया होगा आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट राइट। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं सबसे पहले ले आया हूँ वीकली में। ओके, अगर आप यहाँ से चार्ट समझने की कोशिश करें तो एक कंटिन्यू में ऐसा पैटर्न बन रहा है राइट, जो हम प्राइस सेशन फॉलो करते हैं बिल्कुल टॉप में इनसाइड हुआ है, और जब यहाँ पर गया था तो हम लोग बात भी कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पर जितना दिन रुक जाएगा ना उतना दिन अच्छा है, ठीक है, तो अभी मार्केट हॉल्ट लिया है, एक कब तक हॉल्ट देता है पता नहीं, लेकिन जितना दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा फ्रेंड्स उतना अच्छा होगा अपसाइड में मूवमेंट देने के लिए। तो अभी टाइम स्पेंड करने दीजिए, मे भी अभी थोड़ा और यहाँ पर एक आध वीक रुक सकता है, हो सकता है मार्केट कल नीचे आ जाए, एक आध वीक और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर दे, फिर जब निकलेगा ना बहुत ही बढ़िया होगा। अभी भी निकल सकता है तो हम लोग इसके ऊपर बाइंग का ही ट्रेड बनाएंगे राइट, मतलब 40,000 के ऊपर के आसपास का क्लोजिंग मार्केट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग दे सकता है, 39,800 के ऊपर का क्लोजिंग, ठीक है, 39,800 के ऊपर का क्लोजिंग डेली चार्ट में मार्केट बहुत अच्छा बुलिश हो जाएगा, लोग इधर कैसेल डाल के इसमें ट्रेड कंटिन्यू होल्ड रखेंगे, और अपर साइड में कम से कम नए हाई और नए हाई के बाद 2-3 हज़ार पॉइंट और भी है, 44,000-45,000 की तरफ भाव दिख सकता है, तो भी बहुत अच्छी जगह में है। जब तक ये 38,000 के बिलो मार्केट जाएगा नहीं, ये शॉर्ट नहीं होगा, यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पज में आपको जरूर थोड़ा बहुत इंट्राडे में ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन जो गिरावट दिखता है वो गिरावट 38,000 से पहले नहीं है, इसे आप ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, अगर आप इसी तरीके से निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी ये जो प्राइस सेशन पैटर्न बन रहा है बहुत बढ़िया है। अभी क्या हो रहा था कि जब भी इस आसपास जा रहा था मार्केट कंटिन्यू में नीचे आ जा रहा था, अभी यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट राइट, तो आप ध्यान रखिए कि जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन के आसपास ही टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पर जितना दिन रुकेगा उतना अच्छा है राइट। लेकिन मार्केट को ब्रेकआउट होने का सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होता है फ्रेंड्स?
एक कैंडल ऐसा बन जाए, इसके अंदर ऐसा कैंडल बन जाए, तो जो इनसाइड वाला कैंडल होता है ना, वो ब्रेकआउट का सबसे बढ़िया सिनेरियो बनता है। तो अभी थोड़ा मार्केट यहाँ पर स्मूथ नहीं है, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है यहाँ पर। वॉलेटिलिटी के कंडीशन में, जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है, उस कंडीशन में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मोस्टली नहीं होता है। मार्केट पहले स्टेबल होगा, मार्केट पहले शांत होगा, इसके बाद कहीं ट्रेड देगा। एक कहावत है ना कि तूफान से पहले शांति, तो पहले शांति होना चाहिए, यहाँ पर मार्केट स्टेबल होकर ट्रेड करना चाहिए, फिर जो ब्रेकआउट आएगा फ्रेंड्स, इसके ऊपर मार्केट में अप ट्रेंड बहुत ही बढ़िया बनेगा। मतलब 18,000 के ऊपर का क्लोजिंग मार्केट में हायर हाई और 19,000 की तरफ मार्केट मोमेंट दिखा सकता है। तो यहाँ पर पहले मार्केट को हॉल्ट होने दीजिए, यहाँ पर रुकने दीजिए, क्योंकि टॉप इंड में रुकना मतलब ये हो रहा है कि सेलर तो कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन बायर इतना स्ट्रांग है कि नीचे नहीं जा पा रहा है। हर गिरावट में बहुत स्मार्ट बाइंग आता है, आप लोग देखते होंगे, जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट बाइंग आता है, इसका मतलब मार्केट में बायर हैं। ओके चलिए, तो अभी ये जब तक इस पॉइंट के बिलो नहीं चला जाएगा, ये शॉर्ट नहीं होगा, मतलब 17,000 के आसपास तक ये बाइंग का सिनेरियो दिखता है, 17,000 के नीचे क्लोजिंग देगा, तब फिर आप इसमें 1,500, 700, 800 पॉइंट का गिरावट देखिए। अभी 17,500 के आसपास मार्केट चल रहा है। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग थोड़ा चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में मुआयना कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट, बहुत ही खतरनाक सीनेरियो है। यहाँ पर अप जाएगा, डाउन जाएगा, नो बडी नो, ठीक है, यहाँ बहुत खतरनाक सीनेरियो है। हाँ, थोड़ा बैंक निफ्टी स्मूथ जरूर दिखता है, और आप देखें तो इस जो सीनेरियो चला है ना, यहाँ पर बैंक निफ्टी लगातार आउट परफॉर्म किया है, लगातार बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया, और इसका मेन कारण है आईसीआईसी बैंक, राइट। आईसीआईसी बैंक, इसके साथ आप एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, राइट, और लगभग जितने भी एक्सिस बैंक, एसबीआई, सभी में बहुत अच्छा बाइंग आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अपसाइड जाना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पर थोड़ा व्यू रख के चल रहा हूँ, राइट। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेड हमारा ठीक अपसाइड होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल पहला लॉजिक ये है मेरा कि मार्केट थोड़ा यहाँ पर हॉल्ट होना चाहिए, मार्केट थोड़ा साइडवेज की तरह मुझे दिखता है यहाँ पर, ठीक है, बहुत एग्रेसिव यहाँ पर बाइंग नहीं है। अगर ये 30, देखिए जहाँ से इसमें गिरावट आया था, ठीक है, अगर ये 39,700 के ऊपर, 39,700 के ऊपर ये सस्टेन करता है, इधर रुकता है, थोड़ा खुल के ऊपर चले जाए, इधर रुकता है, तो आपको एक बाइंग का ट्रेड बनेगा, राइट। लेकिन इसके ऊपर मार्केट को थोड़ा रुकने दीजिए, आधा घंटा, एक घंटा रुकने दीजिए, फिर हायर हाई बनाए तो बाइंग करें, और लो का एसएल डाल दें। एसएल हमारे 100-120 पॉइंट का होना चाहिए। इस रेंज में अवॉइड करिए ट्रेड, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना के बैठ जाइए इंट्राडे में, और अपना स्टॉप लॉस डाल दीजिए, स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए, ठीक है, जब तक इस रेंज के ऊपर जाएगा नहीं या बुलिश होगा नहीं, और डाउन साइड में जब तक इसके नीचे जाएगा नहीं या शॉर्ट होगा नहीं, राइट। इधर इधर बहुत सपोर्ट है नीचे की तरफ मार्केट में, ओके। तो अभी अगर आप यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें इंट्राडे के लिए, कल के लिए, तो एक यहां पर शॉर्ट का ट्रेड आपको बन जाएगा, राइट। तो अगर ये 39,300 के बिलो मार्केट नीचे जाता है, एक कैंडल क्लोज करता है, फिर सेकेंड कैंडल में शॉर्ट करें, तो आपका टारगेट 39,000 के आसपास होना चाहिए, राइट। 39,300 के बिलो अगर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, फिर अगेन नया लो मारता है, ठीक है, तब आप इसमें शॉर्ट करिए। आपका एसएल 100-120 पॉइंट का होना चाहिए, टारगेट आपका लगभग लगभग 250 से लेकर 300 डाउन साइड में बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आप दूसरी पॉइंट ध्यान रखिए, अगर फ्रेंड्स मार्केट बिना मतलब कोई ट्रेड दे, या हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए, राइट, अगर आपको लोअर बॉटम में, मैं लास्ट डे आप लोगों को निफ्टी में ट्रेड दिया था, अभी बताऊंगा, 39,000 के अगर आसपास मार्केट कोई बुलिश कैंडल बनता है, ठीक है, कोई ग्रीन कैंडल बनता है, सिंगल ग्रीन कैंडल, इस टाइप का सिंगल एक ग्रीन कैंडल अगर बुलिश दिखता है यहाँ पर, ओके, सिंगल कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करिए, अगेन 39,500 के आसपास भाव दिखा देगा। अगर आप शॉर्ट करें तो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टारगेट मैं नहीं देख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम 39,000 के आसपास मार्केट यहाँ पर सपोर्ट तो जरूर लेगा, ओके, ये व्यू है हमारा। 39,000 के आसपास अगर मार्केट बुलिश कैंडल बनाता है, 5 मिनट या 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम में, आप बाइंग कर सकते हैं, हायर इनको जैसे ब्रेकआउट करता है बाइंग कर सकते हैं, सेम लोग एसएल डाल दीजिएगा, या मैक्सिमम 100-120 पॉइंट के एसएल डाल के फिर से बाइंग कर सकते हैं, तब आपका टारगेट लगभग 400-500 का बन सकता है, क्योंकि लोअर साइड से मार्केट जाएगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। अगर 39,000 के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, पहला कैंडल ग्रीन बनता है, सेम कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं,
ट्रेड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इस लॉजिक के साथ आप ट्रेड करिएगा। गैप डाउन ओपन होता है, मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ कि एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल इनसाइड बनता है, फिर आप इनसाइड के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, इस लो कैसल डाल के इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है। इस लॉजिक को आप कल जरूर ध्यान रखिएगा। ये हुआ आपका बैंक निफ्टी का। अब चलिए चलता हूँ मैं आपको लेके निफ्टी में। निफ्टी जैसे यहाँ से कल नीचे आया तो मैं यहाँ पर शॉर्ट अवॉइड किया। मैं आप लोगों को वीडियो में बोला था कि नीचे से बाइंग आएगा ना, तब नीचे से बाइंग करिए। जब नीचे आ रहा था तब मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था 17,500 से लेकर 17,475 के बीच में सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से कितना बढ़िया रिकवर दिया और लगभग लगभग आपको 80-90 पॉइंट का ट्रेड मिल गया होगा, राइट? ये ट्रेड तो ऐसी बॉटम से बाइंग हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बॉटम से बाइंग हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक सिनेरियो थोड़ा गलत हो गया है, क्या कि मल्टीपल टाइम इधर टेस्ट कर चुका है, राइट? तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 17,470 के बिलो, 17,470 के बिलो, 70 के बिलो अगर मार्केट क्लोज देता है, एक कैंडल नेगेटिव बनता है, तब आप इसमें शॉर्ट करिए और आपका टारगेट इधर होना चाहिए, ठीक है, 17,400 के आसपास का टारगेट आपका होना चाहिए। तो आपको लोअर साइड में लगभग 60-70 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। आप 20-30 पॉइंट कैसे रख के लोअर साइड में शॉर्ट करिए, ट्रेड आपका अच्छा हो जाएगा अगर ब्रेक डाउन देता है तो। शॉर्ट हो रहा है दोस्तों कल दोनों में ही, अगर अच्छे सेटअप में हमें मिलता है तो 39,300 के बैंक निफ्टी और 17,470 के बिलो निफ्टी, अगर ये दोनों एक साथ नीचे जाते हैं तो ट्रेड आपका ज्यादा अच्छा हो सकता है, नजर रखिएगा अगर ये डाउन साइड जाते हैं तो। सेकेंड लॉजिक आप ध्यान रखो, ठीक है, अगर फ्रेंड्स मार्केट नीचे जाता है, राइट, अगर ये 17,480 के आसपास, ठीक है, 17,500 के आसपास अगर 5 मिनट के चार्ट में कोई ग्रीन कैंडल बनता है, एक बार बाइंग करने के बारे में जरूर सोचें, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर वापस अगेन 17,640 की तरफ आना चाहिए, तो ट्रेड आपका लोअर लेवल से बहुत अच्छा हो सकता है। सिंगल कैंडल कैसे बनेगा, अगर जो नीचे जा रहा है कैंडल एक कन्वर्ट हो जाता हैमर में, जैसे आप यहां समझिए क्या हो रहा था, एक कैंडल नीचे जा रहा था लेकिन कन्वर्ट हो गया किसमें, हैमर में, दोनों कैंडल। तो इसी तरीके से अगर जो नीचे कैंडल आ रहा है एक कैंडल कन्वर्ट हो जाता हैमर में, तो सेम कैंडल के ऊपर बाइंग डालिए और यहां तक का ट्रेड आप रख लीजिए, ये ट्रेड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बॉटम से बाइंग भी है और शॉर्ट भी है, कैंडल क्लोज कर जाए, राइट, कैंडल नेगेटिव कैंडल में क्लोज हो जाए, आप इसमें शॉर्ट का ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं, शॉर्ट में जा सकते हैं, ट्रेड आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। लोअर साइड का टारगेट लगभग 60-70 रुपया तो मिल ही जाएगा, ट्रेड होगा डाउन साइड में अगर मार्केट नीचे जाता है तो। मैं अप साइड का ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता हूँ, इधर बहुत रजिस्टेंस मुझे दिखता है, मार्केट इधर जाके थोड़ा रुक जाए, इधर टाइम स्पेंड करे, ओके, फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो कल के लिए निफ्टी में बॉटम से बाइंग है, टॉप से बाइंग अवॉइड करेंगे, ये लॉजिक हुआ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब चलिए चलते हैं स्टॉक जिसमें कल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नंबर वन, पहले दोस्तों देखिए अगर आप एलएनटी को, तो एलएनटी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ कहीं आप लोगों को बाइंग का ट्रेड दिया था, क्या शानदार स्टॉक ट्रेड दिया है, लगातार कंटिन्यू हायर हाई की तरफ जा रहा है, ओके। तो कल आप इसे नजर रखिए, एक ट्रेड आपको फिर से देने वाला है, चूंकि मुझे लग रहा है इस रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है तो अब इसका इस पॉइंट के आसपास टारगेट बनना चाहिए, ओके, तो मुझे लग रहा है कल आपको इसमें ट्रेड अच्छा बन जाएगा। फ्रेंड्स अगर कल इसी रेंज के आसपास ओपन हो जाता है तो आप इस रेंज में बाइंग करिए, इस लो का एसएल डालिए, मतलब 1935 के एसएल है, बाइंग होना चाहिए 1950 के आसपास। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है सेम कैंडल के ऊपर बाइंग कर लीजिए, अगर ऊपर से नीचे आता है तो पहले यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनने दीजिए फिर बाइंग कर लीजिए, सिंगल ग्रीन कैंडल में बाइंग हो सकता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ओके। मुझे लग रहा है यहाँ से ट्रेड निकल जाएगा तो अपर साइड में 1970 की तरफ पे टारगेट आपको दे सकता है, बाइंग का बेस्ट लेवल होगा 1950 के आसपास, अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो सेम कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड ले लीजिएगा, ट्रेड आपका अच्छा हो जाएगा, मे बी ये इसका ओपनिंग इधर हो जाए और यहीं से कंटिन्यू ऊपर चले जाए, तो ये ट्रेड थोड़ा मुश्किल वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप क्वांटिटी कम करिए, अगर सेम कैंडल में ऊपर जा रहे हैं क्वांटिटी छोटा रख दीजिए, अगर ऊपर से नीचे आके यहाँ पर ट्रेड मिलता है 50 के आसपास ट्रेड मिलता है, ये ट्रेड आपका ज्यादा अच्छा होगा। तो बाइंग लेवल है 1950 के आसपास, ठीक है, वो आपका भाव अच्छा हो जाएगा, नजर रखिएगा कल के दिन पे। इसी तरीके से दोस्तों अगर नेक्स्ट स्टॉक देखें तो हम लोग HDFC बैंक, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक दोनों बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कल के दिन पे ये 1520 की तरफ जाने वाला है, मुझे लग रहा है ट्रेड आपको अच्छा मिल जाएगा अगर ये हाई रेंज के आसपास हमें बाइंग मिल जाता है तब, ठीक है। देखो इस लो का हम लोग एसएल डालेंगे, 1480 के आसपास हमारा एसएल रहेगा, राइट, 90 के ऊपर हमारा बाइंग होगा, 1490 के ऊपर बाइंग होगा, अपर साइड में पहला टारगेट 1500 का, क्योंकि राउंड फिगर लेवल है तो 1:1 पहला, अगर ये मूवमेंट कर गया तो 1500 के आसपास एक 50% प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक, एसएल कर देंगे कॉस्ट का, जहां पर हमारा, सॉरी माफ कीजिए, किस एसएल करेंगे हम लोग कॉस्ट का 1590 का, और अगला टारगेट रखेंगे
1500 से लेके 1520 का। तो दूसरा टारगेट हमारा बड़ा होगा, नजर रखिएगा कल के दिन पे, राइट। ये ट्रेड आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, नजर रखिए, अपर साइड ब्रेकआउट करेगा, बाइंग करके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है एस्टर, एक शॉर्ट का भी है, वेट करिए, ठीक है, बताता हूँ अभी आप लोगों को। श्री सीमेंट देखिए, अगर आप देखें दोस्तों, एक कंटिन्यू बड़ा मूवमेंट आया है, कल भी इसमें मूवमेंट आ सकता है। क्यों? देखिए, इतना बड़ा मूवमेंट के बाद मोस्टली मार्केट साइडवेज होता है, ठीक। तो आप यहाँ पर देखें दोस्तों, 5 मिनट के चार्ट में तो ऑलरेडी ये साइडवेज हो गया है, ठीक है। मैं इसे कल प्रीफर करूंगा बाइंग के लिए, लेकिन इसका ओपनिंग ना इसी रेंज में होना चाहिए, राइट। प्री ओपनिंग सेशन में ध्यान रखिए, अगर ये 2320 से लेकर 2300 के बीच में ओपन होता है, जैसे ब्रेकआउट आता है बाइंग कर सकते हैं। 2322, 2325 कहीं भी आप बाइंग कर सकते हैं। एसएल आपका 2300 का होना चाहिए, ट्रेड बड़ा होगा, और ये जो मूवमेंट आएगा ना, एक दो कैंडल में ही बड़ा हो सकता है। तो एक दो कैंडल में ही अपर साइड में 2350 से लेकर 60 के भाव दिखा सकता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपका हो जाना चाहिए। नजर रखिए, एस्टल में अगर ब्रेकआउट आता है बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है श्री सीमेंट, ये है शॉर्ट में। आप लोगों को पता होगा कि ये निफ्टी 50 से निकल गया है और इसके जगह में इंटर कर गया है कौन, अडानी इंट, ठीक है। अब आप यहां से ट्रेंड लाइन देखिए, ये ट्रेंड लाइन का बहुत ही बढ़िया ब्रेकडाउन देने वाला है, राइट। तो लोअर साइड में इधर का भाव दिखा सकता है, 19,000 के आसपास से भाव दिखा सकता है। मुझे लग रहा है इसमें गिरावट कल के दिन पे मिलना चाहिए, 2000 पॉइंट का गिरावट है। अब इंट्राडे में 2000 नहीं आएगा, हो सकता है यहां पर रुक जाए। आप इस चार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, डिवीज लैब का चार्ट एक जैसा चार्ट है, ओके। और सेम गिरावट मुझे लगता है इसमें भी कल देखने को मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा ऊपर भी चले जाए तो बाइंग, देखिए यहाँ से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, 2150 के आसपास भी चले जाए तो पहले रेड कैंडल के बाद यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ओके। अगर मान लो ये इसी आसपास में ओपन हो जाता है, फिर ये जाएगा तो बहुत अच्छा ट्रेड देगा। 21,000 के बिलो जाता है आप शॉर्ट कर सकते हैं, लगभग 150 पॉइंट का ऐसा स्टॉपलॉस रखना पड़ेगा और 300 से 400 500 पॉइंट का आपका टारगेट बनना चाहिए। ये बहुत फास्ट हो सकता है, एक दो तीन कैंडल में ये टारगेट बहुत अच्छा देखे जा सकता है। लोअर साइड में नजर रखिएगा, ये शॉर्ट का कैंडिडेट आपका है। तो फ्रेंड्स, ये हुए कल के लिए स्टॉक और इंडेक्स के ऊपर, बहुत सारे लॉजिक मैंने आपको शेयर किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।